नमस्कार साथियों, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की परीक्षा में विसंगतता को लेकर दूर करने की मांग उठ रही है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो झालावाड़ से अपडेट आई है कि राजस्थान आईटी एंड कंप्यूटर संघ की ओर से गत 18 जून को जो हुई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा में विसंगतता को दूर करने की मांग की जा रही है। और इसमें बताया गया कि कंप्यूटर अनुदेशक जो परीक्षा है पहली बार हुई है और बोर्ड की ओर से परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को पैटर्न की जानकारी नहीं दी गई है। और साथ ही बोर्ड की ओर से सिलेबस तो जारी किया गया लेकिन यूनिट वाइज अंक बार अनुपात नहीं दिया गया। और यह भर्ती सिर्फ 2800 पे ग्रेड पे है लेकिन प्रश्न पत्र में गेट, नेट, इसरो लेवल के प्रश्न पूछे गए। और कंप्यूटर अनुदेशक संघ के द्वारिका प्रसाद प्रजापति ने बताया कि सरकार को कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की परीक्षा की विसंगतता को दूर करना चाहिए। तो देख सकते हैं कि लगातार मांग उठ रही है कंप्यूटर संघ से और अभ्यर्थियों के द्वारा सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है। जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो विसंगतता है, पहली आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस दिया गया था वो डिटेल से नहीं था, सिर्फ टॉपिक वाइज नाम दे रखा था, जैसे राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कला संस्कृति, जनरल साइंस और रीजनिंग मैथ। इस प्रकार से तो ये असमंजस बना हुआ है कि किस टॉपिक से कितने क्या क्वेश्चन आएंगे, अंक बार का आपको नॉलेज नहीं था कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थियों को लगा, ये मांग है। और दूसरी मांग जो 40% वेटेज को लेकर के हैं, जो क्राइटेरिया 40% दोनों पेपरों में लाना, पासिंग नंबर लाना जरूरी है, इसको लेकर भी मांग की जा रही है कि ये हटा दिया जाए। यही मांग पीटीआई भर्ती में भी उठाई जा रही है, जो 40% क्राइटेरिया हटाया जाए। इस पर अब कमेटी का निर्णय है, कमेटी का क्या निर्णय लेगी, अभी तक कमेटी के द्वारा जो निर्णय है वो नहीं आया है। तो इसी को लेकर असमंजस है कि कमेटी जो है स्टूडेंटों के पक्ष में फैसला देगी या नहीं, या बोर्ड की तरफ से जो अपडेट है अभी तक नहीं आई है। और जो सरकार से भी गुहार लगाई जा रही है कि इस कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो पहली बार हुई है और 2800 पे ग्रेड, सबसे बात तो ये है कि जो पे ग्रेड है वो कम है और जो क्वेश्चन का लेवल है, सिलेबस का लेवल है वो बहुत हाई है इस भर्ती में। तो इसी को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और अभी तक बोर्ड के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं आया है सरकार से। और सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई जा रही है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की जो विसंगतता है दूर करने की मांग। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े।